जी जिन्हें गाने बहुत गाए फिल्म में, बहुत से थोड़े थोड़े लोग हैं इंडस्ट्री में जो लोग ऐसा फैसला करते हैं कि जो हमने इंडस्ट्री से कमाया है वो हम इंडस्ट्री को ही देके जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं, उनमें मैं सुभाष घई जी का भी नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने इंडस्ट्री से जो कमाया उससे इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन बना दी और वो लोगों को ट्रेन करके इस फील्ड में लाने की कोशिश कर। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं, उनमें एक सुरेश वाडकर भी हैं जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई है जिसके थ्रू लोग संगीत सीखते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। खयाम साहब ने क्या किया है कि उन्होंने जो कुछ भी पूंजी कमाई अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हो गया। हेलो हाँ कुछ हो गया, शायद बैटरी गई। हेलो उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो खयाम साहब ने जो पूंजी कमाई उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को ही दे के जाना चाहते हैं। अब वो कैसे दे के जाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट में मुझे चेयरमैन रखा है और भी लोग हैं उसमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त म्यूजिशियंस हैं और वो सब मिलके इस ट्रस्ट को चलाएंगे। खयाम साहब और खयाम साहब की वाइफ जब तक हैं तब तक वो जो जो फैसले करेंगे कि इनको यहाँ देना, जैसे आज यहाँ कुछ पैसे देने आए हैं, जहाँ जहाँ देना है जैसा वो कहेंगे वो काम हो जाएगा। और उनके जाने के बाद उनके ही सजेशंस जो उन्होंने हमको दे दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे भी उस फंड से लोगों को पैसे देंगे, सहायता करेंगे। जैसा आप आपको पता है कि यहाँ वो पहले भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं और जब तक वो हैं देते रहेंगे और जब वो नहीं होंगे तो हम लोग देंगे, हम लोग इसका आपसे वादा करते हैं। आए क्या ऐसा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने करोड़ों में नहीं कमाया, जिन्होंने कम फिल्में की, सेलेक्टेड फिल्में की, अपनी शर्तों पे फिल्में की और उसमें भी जो कुछ कमाया है वो सारा कुछ दान दे के जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को हम सलूट करते हैं, ऐसे आदमी को हम नमन करते हैं। खयाम साहब जैसे और भी लोग इंडस्ट्री में आने चाहिए, जो लोग जब उनका अंतिम समय आ रहा हो तो वो ये सोचें कि अब हम इस पैसे का क्या करें और वो दे के ही जा रहे हैं पूरा इंडस्ट्री को। आज यहाँ तलत अजीज़ भी आने वाले थे मेरे साथ लेकिन उनका कुछ काम पड़ गया है, कोई वीज़ा लेने गए हैं वहाँ अटके हुए, लेकिन खयाम साहब अभी आएंगे कुछ, वो भी आपके सामने क्लियरिटी देंगे इस काम की। और बाकी आप लोगों में जो कोई सवाल पूछना चाहे तो जहाँ तक मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ, मैं कोई पूछना चाहे तो पूछ, किसी के मन में कोई बात नहीं। ट्रस्ट में जब तक खयाम साहब हैं, जगजीत जी हैं, तब तक जैसा वो कहेंगे वैसा किया जाएगा और उसके बाद में जो कुछ उन्होंने नियम ट्रस्ट को दे देंगे कि भाई इस तरह से सबको देना है वो हम देते रहेंगे। फिलहाल हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो जो वो कहते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस पर आज हम लोग यहाँ मिले, आज इकट्ठा हुए। लेकिन इतना आप ज़रूर जान लीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है उसका एक एक पैसा वो इंडस्ट्री को वापस कर रहे हैं और वो भी उनका मन है कि ज़्यादा म्यूजिशियंस को ही, क्योंकि वो खुद म्यूजिशियन है तो इसी डिपार्टमेंट को वो देना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने दिया है, आज भी यहाँ आए हैं देने, शायद आ गए होंगे, आ गए तो जब वो
अंदर आ रहे हो तो हम लोग सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें और उनको ये जताएं कि हम चाहते हैं कि खयाम साहब 100 साल की उम्र पाए। एक प्रश्न किशन जी भी है। मैं बता जाता हूँ। आशीर्वाद रखो बस आगे। तुम अपना रंजो गम परेशानी मुझे दे। खयाम साहब अपने नशिस्त पर बैठे, जगजीत जी बैठी। मैं जगजीत जी को जब भी देखता हूँ तो उनका गाया हुआ तो नगमा मुझे याद आ जाता है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। क्या बात है, क्या बात है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। अब आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहें पहले खयाम साहब कुछ दो बातें कहेंगे और उसके बाद जो भी आप पूछना चाहें खयाम साहब आप उसका जवाब। इसके बारे में वैसे थोड़ा बोले, पहले स्वागत कर लिया जाए। ठीक है, जैसे पहले फेडरेशन जो है जो बाईस एसोसिएशन का मदर बॉडी है वो खयाम साहब और जगजीत सिंह और मुख्य भुट्टा जी राज सबका स्वागत करती है। खयाम साहब वो इंसान है जो इस इंडस्ट्री से कमाई हुई अपनी सारी दौलत इंडस्ट्री को वापस कर रहे हैं। ये इस तरह का विचार न किसी के अंदर कभी हुआ है नहीं शायद होगा। लोगों ने पैसे कमाए जरूर इंडस्ट्री से, हमको ये पता नहीं कि इंडस्ट्री के लोग कहाँ हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर जिसका पहला लक्ष्य होता है कि म्यूजिक वालों के लिए सोचे, पर खयाम साहब ने वर्कर की भी बात सोची, इसलिए फेडरेशन को दे रहे हैं जहाँ वर्कर बॉडी होती है। और ये बात ये पहला साल नहीं है, इसके पहले भी दे चुके हैं। तो हम लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोग हमें नहीं खयाम साहब को सुनने आए हैं, उन्हें देखने आए हैं। इसलिए मैं दो मिनट में ज़रा सम्मान कर लेता हूँ। गुलदस्ते मंगवाए हैं फेडरेशन ने वर्कर के पैसे से, तो उसे वापस करना जरूरी है, देना जरूरी है। हाँ किशन जी कुछ कहें। पहले हो जाए स्वागत। पहले खयाम साहब आप नहीं आपके लिए जो है सब आपके लिए। आप बैठे आपको खड़ा होने की जरूरत है। थैंक यू। आप बैठ जाए खान साहब। सलाम जी। स्वागत किशन जी, स्वागत। हमारे
उधर लास्ट क्लास कुर्सी कर मैं इतनी जानकारी आपको दे दूं, ये तीसरा वर्ष है जब खयाम साहब 1.5 लाख रुपए फेडरेशन को दे रहे हैं उन तमाम जरूरतमंद कलाकारों को कर्मचारियों को मदद करने के लिए, और ये इनकी अप्रूव रकम है, कहीं से दान दी हुई और वापस दी हुई नहीं है, जो इन्होंने कमाया है उसमें से है। और आज इत्तेफाक की बात है कि खयाम साहब के KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट के दो ट्रस्टीज का जन्मदिन है। एक है तलत अजीज साहब, जो आज यहाँ जन्मदिन की वजह से आ नहीं सके, और दूसरा है किशन शर्मा, जो आपके सामने खड़ा है। हम दोनों का जन्मदिन भी है, और हमारा जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा ये कल्पना मैंने नहीं की थी। मैं बहुत आभारी हूँ अनूप जी, हमारे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं और ट्रस्टी हैं, और दो ट्रस्टी और हैं, उत्तम सिंह जी जो आज पुणे में हैं और यहाँ नहीं आ सके हैं, और भूपेंद्र सिंह जी जिनकी तबीयत खराब है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ये कुल 7 ट्रस्टीज हैं, अयाम साहब, जगजीत जी, अनूप जी, तलत अजीज साहब, उत्तम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और मैं। हमारी तरफ से ये चेक दिया जाएगा, लेकिन चेक देने से पहले मैं खयाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपनी भावनाएं आप तक पहुँचाएँ। खयाम साहब को थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। भूषण जी आप आइए, नहीं आप आइए भूषण जी, सबको मेरा सबसे पहले सलाम और प्रणाम खयाम की तरफ से और जगजीत कौर जी की तरफ से, और ये KPJ ये इनकी सूचना थी कि खयाम साहब हमने ये करना है, मैंने कहा कीजिए, और इस KPJ में सबसे एक शायद अनोखी बात ही है कि सिर्फ जगजीत कौर जी का और कुछ मेरा मेन राशि इनकी है, और कहीं से कोई डोनेशन स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं, ये प्योर एंड प्योर जगजीत कौर खयाम ये सब। और मैं शुक्रगुजार हूँ अनूप जी का इस सारी KPJ जो है सरदारी इनके हाथ दे दी है, पूरी सरदारी,
अब हमें कितनी मोहलत है वो मालिक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वाहेगुरु जी की तरफ से कितनी मोहलत है हमें नहीं मालूम। मुझे मैं कब कैसे सब कुछ अनूप जी इनके तहत सब कुछ होने वाला है। और मेरे ख्याल में सही मानों में जो हकदार होंगे इसके उनको ये हमेशा हेल्प करेंगे। ये किरण कामत साहब मेरे बेटे की ये मेरे कामत साहब विष्णु कामत साहब इनके पिताजी मेरे भाई की तरह, और ये बहुत काम करते हैं। और ये अनूप जी जिस तरह कहेंगे उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट है, इसको पूरा के पीजे का इनका हाथ है और इनका बड़ा सहयोग है इस सेक्टर में हमारा। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जी हर तरह से सहायता मिले सबको। और उनकी मुझे शब्द नहीं मिल रहे आज, आज आपसे शब्द मिलने वाले हैं। हयाम साहब ने अपना सब कुछ दे दिया और अपने शब्द भी दे दिए, वो भी नहीं बचे हयाम साहब। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा फैसला किया। मैं तो समझूंगा कि इज द फर्स्ट ऑफ दिस टाइम, प्रथम है ऐसे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हयाम साहब को 100 साल की उम्र मिले और उसकी गिनती आज से शुरू हो। हिसाब की बात कर सकते और तब तक जगजीत जी भी इनका साथ दें, क्योंकि दोनों इतने प्रेम से काम करते रहे हैं शुरू से, आगे भी ऐसे चलता रहे। और हम लोगों को इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, यही मंगल सकता। केसी जे चैरिटेबल ट्रस्ट में शर्माओं का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रस्टीज में किशन शर्मा, एडवाइजरी कमेटी में राज शर्मा, हमारे मीडिया एडवाइजर प्रीतम शर्मा, और प्रीतम शर्मा जी ने इस समय इस पूरे फंक्शन को लाइव पूरे हिंदुस्तान में दिखा रखा है। और भी कई शर्मा हैं जिनका अगर उल्लेख करने बैठूंगा तो ये चेक की रकम कम पड़ जाएगी। लेकिन किरण कामत जी इस पूरे लेन देन के जिम्मेदार हैं और उन्होंने इस चेक की एक प्रतिरूप यहाँ तैयार किया है। मैं चाहूँगा वो बड़ा चेक आपके सामने लाया जाए। फेडरेशन के अध्यक्ष तिवारी साहब, सचिव दुबे साहब और अशोक दुबे जी, दुबे साहब कहा, और हयाम साहब, जगजीत जी, अनूप जी, और अगर फोटोग्राफर्स के फ्रेम में आ जाऊं तुम्हें, हम सब के सामने ये चेक दिया जाएगा। अगर असली चेक नहीं दूंगा तो ये सारे फोटोग्राफ बेकार हो जाएंगे, इसलिए अब इसे हटाकर छोटा सा चेक दे दीजिए।
छोटे चेक को जो बड़ा है वो मैं खयाम साहब और अनूप जी को दे रहा हूँ, उनके हाथ में फेडरेशन के अध्यक्ष जी और सचिव जी प्राप्त करें। खयाम साहब के हाथ से, खयाम साहब और जगजीत जी, और जगजीत जी आपके हाथ, तीनों का हाथ साथ आइए सर, आइए ऐसे घुमा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बस आप बैठिए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये खयाम साहब ने, जगजीत कौर जी ने एक निर्णय लिया हुआ है इस ट्रस्ट के लिए, निर्देश है कि जब इनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी ज्वेलरी सब कुछ बिक जाएगी तो उसमें जितना भी करोड़ रुपया आए उसके ब्याज में से हर साल कम से कम 5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड को दिए जाएंगे। एक उचित राशि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सहायता कोष को भी दी जाएगी। गरीब कलाकारों को एक एक बार, दो बार नहीं, एक एक बार 10 से 20 हजार रुपए खयाम साहब खुद सहायता के रूप में देंगे और ये 1.5 लाख रुपया हर साल फेडरेशन को दिया जाता रहेगा ताउम्र। और ये ताउम्र मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो अनूप जी ने कहा है कि खयाम साहब और जगजीत कौर जी आज से शुरू हुए 100 साल तक रहेंगे, हम सब भी रहेंगे, लेकिन हमारे बाद भी ट्रस्ट की तरफ से ये राशि दी जाती रहेगी जब तक ट्रस्ट चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी बोल दिया था, उस पर ख्याल साहब नहीं आए थे, बाद में भी बोल दिया। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम लोग ये काम अच्छी तरह चला सकें, यही हमें मार्गदर्शन चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए। आप सब हमारा साथ दें और मीडिया की तरफ से ये लोगों को खबर पहुँचे, क्योंकि जब खबर पहुँचेगी तो और लोग आएंगे ऐसा काम करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि और लोग इससे उत्साहित हों, इंस्पायर हों और इस तरह का काम करने और लोग आए। हम ये चाहते KPJ is Khayyam, P for Pradeep and J for Jagjit Kaur. ये उनकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें 5 साल पहले ड्यू टू इनका जो एक लाडला उनका बेटा था प्रदीप खैया, उनकी हार्ट अटैक की वजह से अनटाइमली डेथ हो गई। 1 साल मोर्निंग करने के बाद उन्होंने ये जो आज हम लोग बैठे हैं उसके बारे में सोचा। लोग काफी अलग चीजें सोचते हैं और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दो लोग हैं तो क्यों नहीं, जो हमें इंडस्ट्री ने हमें दिया है क्यों नहीं उसे लौटाया दिया जाए, तो किस तरह से करने का, उस हिसाब से बाद में चर्चा होती रही। और मैं 40-45 साल से मेरे डैडी एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट उनको अटैच्ड है, और जैसे भाई भाई जैसे मेरे डैडी और खयाम साहब एक फोन पे डैडी बोला करते थे कि मैं आज खाना खाने आ रहा हूँ, और खाना तैयार हो जाता था जगजीत जी के हाथों और उनका आना हो जाता था। और उस तरह से आज भी लास्ट 25 साल से मैं उनका सर्विस कर रहा हूँ, खयाम साहब का जो भी इनकम टैक्स हो, उनका जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, जो हर काम में। और उस 3 साल 3.5 साल पहले हम लोग ने डिसीजन ली कि क्यों नहीं एक ट्रस्ट खोला जाए और ये पैसा करेक्ट वे लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए जो अभी किशन जी ने नाम लिए 5 ट्रस्टी म्यूजिक इंडस्ट्री के और 2 खुद खयाम साहब और जगजीत जी, प्रोग्राम आगे इस तरह से चलेगा कि आज 1.5 लाख हो या बाद में 10 या 20 हजार जो नीडी
लोग हैं म्यूजिशियंस हो या इंडस्ट्री के, उनको तो दी जाती है आगे, जैसे किशन जी ने बताया उसी तरह से आगे, जब आगे काफी साल के बाद में जब ज्यादा रकम आएगी ज्वेलरी की तरफ से, घर बेच के जो पैसे आएंगे वो भी तो इंडस्ट्री से आए हुए पैसे थे, उसे एफडीज में रखा जाएगा और उस एफडीज में से जो उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो, चीफ मिनिस्टर फंड हो, या जो भी नीडी है हमारी इंडस्ट्री के या कुछ इंडस्ट्री के बाहर भी पर जिसकी जरूरत है, उनको एक बार 10 या 20 हजार जो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे उस तरह, उसमें वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। और उस तरह से उन्होंने जैसे कहा कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो ट्रस्ट का काम है वो सालों साल चलते रहेगा, ट्रस्टी बदलेंगे बट ट्रस्ट जिंदा रहेगा और ये पैसे हर बार मिलते रहेंगे। 14 में लास्ट 3 साल से हम लोग मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा किशन जी का और तरत अजीत जी का बर्थडे है, वैसे मेरे लड़की का भी आज बर्थडे है, तो उस बहाने हम लोग ने शुरू किया था। मुझे ये मालूम नहीं था जब हम लोग ने शुरू किया था कि किशन जी और तरत जी का बर्थडे है, लेकिन अभी ये देखो 3 साल से कर रहे हैं और 3 लोगों का बर्थडे आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और उसीलिए हम खयाम साहब का और जगजीत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छे काम किए, धन्यवाद। थैंक यू। ने तो अपनी बात, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हों तो सुनने के लिए है, की बात तो सब ही नहीं है, क्योंकि जो ये पैसा तो हमें घर पर भी बुला करके खयाम साहब दे दिए होते, मगर नहीं, उनका यहाँ तक आना इतनी प्रॉब्लम के बावजूद आप सबके बीच में खड़ा होना, मिलना, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज है। चेक तो बैंक में जाएंगे खर्च हो जाएंगे, मगर ये जो चेक का प्रारूप आपने एक दिया था, भेंट दिया है प्रतीक, वो प्रतीक हम लगाकर जरूर रखेंगे फेडरेशन में, ताकि आने वाला हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर जो भी आए वहाँ पर कुछ देखे, इंसान ऐसा भी होता है, पैसे सब कमाते हैं, क्या ऐसी बात भी सोची जा सकती है, एक मिसाल होगी, एक इतिहास बने। और हम तो दुआएं करेंगे कि कभी ये सिलसिला जो चल रहा है इनके साथ ही बैठते रहें, इन्हीं के हाथों लेते रहें। हमें उन बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि खयाम साहब नहीं होंगे और फेडरेशन को मिलता रहेगा, खयाम साहब मिलते रहें, इनका आशीर्वाद मिलता रहे, पैसा ना भी मिले तो चलेगा। तो हम तो इस बात के लिए बहुत बहुत दुआ करते हैं, ईश्वर आप दोनों को एक साथ रखे। और मैं घर पर गया था तो बोला था कि 100 नॉट आउट होना चाहिए, अभी पिक्चर आई है, देखने के बाद समझ में आया कि अभी तो 92 हुआ है, एक तो 10 साल अभी हमारे पास है, 10 साल के बाद फिर रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो मिलता रहेगा, इकट्ठा नहीं मांग सकते हम। ईश्वर आप दोनों को सलामत रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, और अनूप जी जैसा आदमी, राज जी, तमाम जितने लोग हमारे जो फेडरेशन के एक लोग आए हुए हैं, हमारे हर एसोसिएशन के लोग आए हैं, और सबकी यही इच्छा थी कि खयाम साहब से मिला जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, उनके साथ फोटो खिंचाई जाए। और ये मीडिया के तमाम लोग, काफ़ी देर से इनको 1 घंटा पहले बुला लिया था, क्योंकि इनके वक्त बड़े कीमती होते हैं, ये पहले से आ जाएंगे तो अच्छा होगा। ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, जगह हमारी छोटी पड़ गई, हम फेडरेशन से ऊपर शिफ्ट हुए, सिंटा ने हमें सपोर्ट किया, हमारे तमाम लोगों ने, ये सिंटा की ऑफिस है, मगर पीछे फिर से फेडरेशन शुरू हो गया है, ऐसा लगता है कि मैं अपने ही ऑफिस में बैठा हूँ। इसके लिए तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सिंटा के लोगों को, और आप सब मीडिया के लोग जो लोग आए हैं, आपको भी बहुत इंतजार करना पड़ा है, और आप सब ने हमारा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। कोई भी आदमी जो छूट गया हो, मेरी ख्वाहिश है कि हर किसी को मेरा मैसेज पहुंचे, इस नेक काम के आप लोग एक गवाह हैं, कितना बड़ा काम हुआ है, ये बात इस रूम से बाहर जाए आपके जरिए, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को समझें और देखें पढ़ें कि इंडस्ट्री में आज भी
खयाम साहब का नाम जिंदा रहे, ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आए और चले गए, अब तो हम गाने सुनकर तुमको याद करते हैं, खयाम साहब को अच्छे काम से याद किया जाएगा, गाने तो सारी इंडस्ट्री याद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत जी हमारे सिंडा के इनके दो शब्द सुने, इनके बगैर कृपा के हम लोग यहाँ पहुँचते नहीं। सुशांत जी मेरे पास तो मैं कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पिछले साल जब सर ने अनाउंस की थी ये एक, उस वक्त मैं फंक्शन में मौजूद था और मुझे खुशी है कि आज का ये फंक्शन हमारे परिसर में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जैसी सोच हमारी इंडस्ट्री में और 10 लोगों की भी हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स का भला हो जाएगा। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ। मैं समाप्ति तो खयाम साहब के गाने से ही करवाना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूँ, जो जो लोग खयाम साहब से कभी भी मिले, खयाम साहब ने कभी भी किसी एक धर्म या किसी एक जाति की बात नहीं की। वो हमेशा कहते हैं, पहली बात मैं इंसान हूँ, दूसरी बात मैं हिंदुस्तान का। ये बहुत बड़ी बात है और ये सलाम दुआ भी करते हैं, अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जी गॉड आपको अच्छा रखे, ये चारों बोलते हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी से डोनेशन नहीं लूँगा, किसी से मदद नहीं लूँगा, मुझे मेरी जन्मभूमि ने जितना कुछ दिया है वो मैं जन्मभूमि को वापस करूँगा और एक भी पैसा मदद लिए बिना अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, अपने फिक्स डिपॉजिट की सारी रकम ट्रस्ट के नाम करके इन्होंने कह दिया है कि इससे सब लोगों की भलाई की जाए। और ट्रस्ट तो जब काम शुरू करेगा करेगा, खयाम साहब ने पिछले 3 साल से एक काम शुरू किया कि गरीब कलाकारों को 10 से 20 हज़ार रुपये तक एक ही बार जीवन में ये खुद देते हैं और 1.5 लाख का चेक ये 14 मई हर साल दे रहे हैं। अब मैं तो नागपुर से आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा, यहाँ आजकल मैं ज़्यादा रहता नहीं क्योंकि मुंबई की जो ट्रैफिक की हालत है आप लोग जानते हैं, पकड़ा जाता है आदमी और मैं पहले से ही पकड़ लूँ। हम लोग कार का इंतजार कर रहे थे, एक कार आई, फिर ये कहा गया नहीं वो कार वापस जाएगी, दूसरी आएगी क्योंकि खयाम साहब, तो हमारे ट्रैफिक की जो हालत थी अगर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा है तो उसमें खयाम साहब का या जगजीत कौर जी का दोष नहीं है, ये दोष भी ऊपर वाले ने ही तय किया होगा। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए और अनूप जी को मैं माइक दे रहा हूँ ताकि वो खयाम साहब का कंपोज किया हुआ कोई भी एक गीत गाकर आज के इस समारोह का समापन करें। सबसे पहले मैं जितने मीडिया या हमारी जो हमारे गेस्ट आए हैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग नहीं आए हैं वो हाथ उठा दें उनको भी धन्यवाद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। एक शेर से आज की महफिल खत्म करेंगे कि जियो तो ऐसे जैसे कि सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जैसे कि सब तुम्हारा है और मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ नहीं है।
इसको जीवन में उतार लीजिए, आपका भला तो नहीं है, दूसरों का भी नहीं है। किरण जी, यहाँ शर्माओं की वजह से किशन शर्मा को राज शर्मा आई आई अरे आई शर्मा को राज जाओ ना आप नहीं अगर आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो खयाम साहब से तो आप स्वागत है लाइव, लेकिन जरा जोर से बोलना पड़ेगा इसलिए कि खयाम साहब थोड़ा सा ऊंचा सुन सभी सवाल के जवाब ओके चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज क्या बात है सर, ये असली जामुन चीज़ है, आप आए और जहाँ जाए सीधे तो शुरू कर दिया।